एक जगह ना हिंदुओं का जलसा था, अमीर मिल्लत के हालात में लिखा है, हिंदुओं का जलसा था तो वहाँ सारे हिंदू ही थे, हिंदू पंडित ही तकरीर कर रहा था, कोई मुसलमान नहीं था। एक बाबा जी बैठे थे, वो बाबे नहीं होते जिनके पास रंगीन डंडा होता है, नहीं पता आपको, रंगीन डंडे वाले एक बाबा जी पीछे बैठे थे। तो हिंदू पंडित ने तकरीर करते करते ना, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना भाषण, हुजूर की शान ने एकदस में ना कोई कमज़ोर जुमला कह दिया। तो बाबा ना उसके कानों में आवाज़ गई उस बंदे की, वो जिनके पास कई रंगों का डंडा होता है, वो आया और पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। पंडित के सर पे उसने एक ही डंडा मारा है, पर मारा ज़रा तगड़ा करके, पंडित ढेर हो गया, मर गया। अब जाहिर है वो स्टेज पे सारे वही लोग थे, काबू कर लिया, जेल में डाल दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मिलने गया जेल में। मैंने उसे कहा, यार नमाज तो तू पढ़ता कोई नहीं, दाढ़ी तूने रखी कोई नहीं, पर कमाल तूने बड़ा कर दिया। कहने लगा, शाह जी मुझे तो अदब अदाब भी नहीं आते आपसे बात करने के, हुजूर नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखता, मेरी गलती है, पर अब मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ पर अपने नबी का गद्दार तो नहीं हूँ। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने को मेरी ऊंची और सुची सरकार की बेअदबी करके गुजरे। मुझे ना शिकवा इस बात का, ये जो मिलाद की महफिलों पर बाज़ों का तनकीद होती है या मेराज की, या ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हम अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं नबी करीम से। हम ना रात को बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को कि मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, छोड़े सारी दुनिया करती है, बच्चों को जब भी बात सुनाए मदीने वाले महबूब की सुनाए। हुजूर ने ड्यूटी लगाई, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ, कुरान मजीद सिखाओ। तो हुजूर से ना जज्बाती वाबस्तगी पैदा करें। जब आपकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती तो बहस होती है, और जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, मैं सही कह रहा हूँ आप, फिर बहस। माँ ना बच्चे का नाक साफ करती है ना, कभी तो ऐसे करके फेंकती है। लेकिन सहाबा को नबी पाक से जज्बाती वाबस्तगी थी। कभी देखा है आपने, क्योंकि बंदा मुंह में पानी डाल के कुल्ली करे तो सामने वाला उसे अपने चेहरे पे मार ले। लेकिन उरवा बिन मसूद सख्फी कहते हैं मैंने ये मंजर देखा कि हुजूर वुजू कर रहे थे और जब कुल्ली का पानी फेंका तो मामूली बंदा नहीं, उस्मान गनी जैसा मालदार, आम आदमी नहीं मौला अली जैसा दलेर आदमी, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सद्दा सरदार, फारूक आजम जैसे मामला फेम लोग लाइनें बना के खड़े हैं कि पानी का एक कतरा मिल जाए। असल मसला पता क्या है, बहस वो बंदा करता है जिसकी जज्बाती वाबस्तगी। अब बेशक मेरी बात पर तक पहुंचे ना पहुंचे, पर मैं बात ठीक कर रहा हूं। जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, तवज्जो है मेरी बात पर। एक सादी बात बताता हूँ आपको, मेरी अम्मा जी ना मुझे हर साल ना मुहर्रम में कहती है, मैनू पुत्र ठूठियाँ ले आ दे। ठूठियाँ तो पता जाए कि नहीं, एडे नहीं तुसी शहरू उन जान के नहीं हाँ ना पे कर दे, पता तुहानू है ठूठियाँ की होंदियाँ, पता है ना जी, माशाल्लाह। मैनू चूंकि लियानियाँ पैंदियाँ सन ते मैं अम्मा जी नू कहना, अम्मा जी ठूठियाँ तो बगैर भी खत्म हो जाता है, हाँ ये ना परात च भी हो जाता है। उन्हें कहना तो मैनू गल्लां ना सुना, ठूठियाँ ले आ दे। एक दिन मैं उन्होंने कहा, मैं अपने उस्तादा ने पूछया, मुफ्ती साहब फरमाया हो जाता है, कहते तू एडा मौलवी मसले ना दस। मैंने एक दिन उन्होंने हिकमत पूछी, मैं क्या अम्मा जी मतलब जो शरीयत कैद नहीं करती तुसे कदों कैद किया है। बड़ी शानदार बात की, सादे लोगों के ना कई दफ़ा दलायल सादे होते थे, अब तो बहस का दौर है, सारी ज़िंदगी बहस कर कर आके भी लोग नहीं मानते। मेरी अम्मा जी कहने लगे, पुत्र इमाम हसन हुसैन के नाँ पर किसी को खीर देनी तो उन्होंने कहना साड़ी प्लेट भी वापस करके जाओ। सरकार दी औलाद दे नां ते जो दे दिता सो दे दिता, तुम हो गई बात। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, खत्म हो गई बात।